परमात्मा को हमने नहीं देखा है, हमने नहीं देखा, आपने किसी ने देखा है तो ठीक बात है, लेकिन हमने अपने आप को देखा है। हम अपने आप को बता सकते हैं कि हम कैसे हैं। किसी की उम्र 20 साल होगी, किसी की उम्र 50 साल होगी, किसी की उम्र 40 साल होगी। कभी आपको लगा क्या कि हम पुराने हो गए? हम महसूस करते हैं कि हम जैसे थे पहले वैसे ही आज भी हैं, और ये केवल इसलिए क्योंकि आत्मा का स्वरूप जो है नित्य नवीन है। हर पल एक जैसा रहता है आत्मा, एक जैसी रहती है आत्मा हमारी। वो जब आत्मा को हम महसूस करने लगते हैं, आत्मा के मूल स्वरूप को हम जानने लगते हैं, तो देह के परिधि से हम आजाद हो जाते हैं और देह के बंधन के प्रभाव जो है ना, वो हमको आहत नहीं करते, परेशान नहीं करते, दुखी नहीं करते। आज हम सबके दुख का कारण क्या है? अब जन्म से कोई सावर है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है। आसपास के लोग हमको ताना मारते हैं कि तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और हम इसी बात को लेकर दुखी हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या क्या है, लेकिन क्या नहीं है ये बहुत बार सोचते रहते हैं, और फिर उसको पाने के लिए जी दौड़ मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, पाते भी हैं, पाना गलत भी नहीं है, लेकिन जो हमारी जरूरत है उस पर हम तय करें कि हमको क्या चाहिए। दुनिया के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए। एक बहुत सुंदर सी बात बता रहे हैं, लड़का धीरे धीरे पढ़ लिख के बड़ा होता है, फिर उसके माता पिता उसकी शादी कर देते हैं, फिर उसकी दुल्हन आ जाएगी, फिर वो भी पप्पा बन जाएगा, फिर उसका भी बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर उसकी भी शादी हो जाएगी, फिर वो भी अपनी दुल्हन को लेके चिड़िया की तरह उड़ जाएगा। ठीक है, अब मिला क्या? खाली एक चीज मिला, भावनात्मक लगाव कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा संतान, हमारा वंश कायम है। लेकिन खाली इसीलिए तो हम नहीं आए थे ना इस धरती पर, ये तो पशु भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो संसार में ये रिश्ता नाता जो है, इसमें आप जुड़िए, शामिल रहिए, लेकिन उसमें पूरी तरह से उलझिए मत। उन सब में रहते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि जीवन में परम लक्ष्य जो हमारा है वो भगवान को पाना है, भगवान को जानना है, भक्ति करके अपने जीवन में मुक्ति हासिल करनी है। तो फिर बुढ़ापे तक जो है आदमी इसी प्रपंच में उलझा रहता है और हासिल कुछ नहीं होता। मरने के बाद क्या होगा, लेके जाएगा आदमी? जिस लड़का को आप पाल पोस के जन्म दे के बड़ा करते हैं, आज बताओ वो लड़का आपके सुख का कितना साधन बना हुआ है? बहुत कम ऐसे लड़के हैं जो माता पिता को सुख पहुंचा रहे हैं। अधिकतर लड़के जो हैं माता पिता को कुछ नहीं दे पाते हैं, और फिर भी माता पिता जो है अपने बच्चे के मुंह में लिपटे रहते हैं। लिपटने की जरूरत बच्चों के मुंह में नहीं, भगवान की प्राप्ति में है।